राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश इस आयोजन को लेकर उत्साहित है। सभी धर्म के लोग इस आयोजन से आनंदित हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस दिन की आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला इंडी गठबंधन को कैसे रास आ सकता है? और ऐसा ही कुछ हुआ भी। जैसे ही यह फैसला आया वैसे ही विपक्ष तिलमिला गया और फिर से इस मुद्दे पर भी अब राजनीति शुरू कर दी। जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई है, कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। ऐसे में विपक्षी और कट्टरपंथी हर तरह से इस आयोजन को खराब करने की जो है साजिशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वहीं जहर उगल रहे हैं। और जब केंद्र सरकार ने इस दिन आधे दिन की छुट्टी का आदेश दिया तो केंद्र के इस फैसले पर विपक्ष चुप कैसे रहता? फिर से जहर घोलने की एक कोशिश की गई और मुस्लिम वर्ग को भड़काते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान भी दे डाला। दरअसल ये बयान नहीं, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन की छुट्टी रहेगी। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण देख सके। इसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने गुरुवार को कटाक्ष किया और कहा कि यह है सबका विकास। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को यह बात रास नहीं आई और एक बार फिर से उन्होंने जहर उगला और मुस्लिम वर्ग को भड़काते हुए यह कहा कि यह वही BJP है जो ईद पर छुट्टी नहीं देती। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने जान लीजिए। BJP शासित राज्य ने ईद मिलान उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाली 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। ये सबका विकास है लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण और बहुमत को छोड़कर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के पहले भी कई बार मुस्लिम वर्ग को भड़काने की कोशिशें कर चुके हैं। राम मंदिर पर लेकर वो 2 बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें साफ नजर आ रहा था कि राम मंदिर के बन जाने पर असदुद्दीन ओवैसी को ये बात रास नहीं आ रही। एक बार उन्होंने मुस्लिमों को भड़काते हुए ये कहा था कि ये वही जमीन है जो हमारी हुई थी और जिस पर 500 सालों तक हम नमाज अदा करते थे। उसके बाद ओवैसी ने ये भी कहा कि ये जो फैसला लिया गया है राम मंदिर बनाने का ये सही नहीं है। हाल ही में ओवैसी ने ये कहा था कि ये इनकी साजिशें हैं, ये एक एक करके हमारी मस्जिदें हमसे छीन लेंगे और अलर्ट रहने के लिए कहा था। बहरहाल एक बार फिर से जब केंद्र सरकार ने इस दिन पर छुट्टी घोषित की है तो असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है और उन्होंने इस तरह का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।